नमस्कार, स्वागत आप सभी का सिलसिला बाजारों का में। मैं हूं आपके साथ अखिलेश शाठी और सिलसिला बाजारों का में एक बार फिर से लेकर हाजिर हूं आप सबके लिए कम्युनिटी बाजार का अपडेट। जानेंगे कि आज सोमवार के दिन कम्युनिटी बाजार के फर्स्ट वर्किंग डे के दिन ये जो कम्युनिटी बाजार है कैसा खुलता नजर आ रहा है, कम्युनिटी बाजार में कहाँ पर कमाई के मौके हैं और क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए अच्छा मुनाफा कमाने के लिए, ये सब डिस्कस करेंगे। शुरुआत करेंगे सबसे पहले नॉन एग्री में सोने और चांदी से। तो सोने और चांदी में देख रहे हैं कि पिछला जो कारोबारी सप्ताह था वो छुट्टियों वाला रहा था, काफ़ी छुट्टियां देखने को मिली थी, सिर्फ 3 दिन ट्रेडिंग देखने को मिली थी, उसके बाद जो बाकी दिन थे उनमें हॉलीडेज़ देखने को मिले थे। लेकिन शाम के कारोबारी सत्र में MCX पर और इंटरनेशनल मार्केट में कारोबार देखने को मिला था। वहीं अगर आज की बात करें तो गोल्ड में देख रहे हैं कि इंटरनेशनल स्पॉट मार्केट में 0.5% की तेज़ी देखने को मिल रही है। गोल्ड में आज कुछ तेज़ी लौटी है, $1985 पर ट्रेड कर रहा है। वहीं सिल्वर भी 1.5% की तेज़ी के साथ $26 पर ट्रेड करती नज़र आ रही है। सोने चांदी में देख रहे हैं कि अचानक से यहाँ पर उछाल देखने को मिला है, डॉलर में एक नरमी देखने को मिली है, जिसकी वजह से सोने चांदी की कीमतों में यहाँ पर उछाल देखा जा रहा है। तो अब ऐसी सिचुएशन के अंदर जब सोने चांदी में अचानक से उछाल आया हो तो क्या रणनीति होनी चाहिए मुनाफे की, जान लेते हैं रूपा जी से। रूपा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका मार्केट MCV पर। जी शुक्रिया। रूपा जी, देख रहे हैं कि सोने और चांदी में एक हम देख रहे थे पहले कि एक सीमित दायर में कारोबार देखने को मिला था, हल्की मामूली बढ़त बनती थी फिर स्तर नीचे गिर जाते थे, लेकिन आज देख रहे हैं कि जो लेवल्स हैं पहले के मुकाबले तेज होते नजर आए हैं। ऐसे में आपको क्या लगता है, क्या ये लेवल दर्शाते हैं कि अब सोना 2000 के लिए जाने की तैयार है फिर से? देखिए बिल्कुल अखिलेश, जिस तरीके का भी सिनेरियो बना है बिल्कुल एक्सपेक्टेड है कि ऊपर में देखा जाए तो 2020 तक एक टेक्निकल लेवल है जिसे ब्रेक करता हुआ सोना दिखाई दे सकता है। दरअसल ये जो तेजी एक बार फिर से बनती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि रूस और यूक्रेन में जो फाइट चल रही है उसका फिलहाल कोई समाधान निकलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है, और दुनिया भर से महंगाई के आंकड़े लगातार बढ़ते दिखाई दे रहे हैं, चाहे वो US हो या अदर कंट्रीज की हम बात करें तो सभी जगह पर जो महंगाई की दर है वो काफी बढ़ती हुई दिखाई दी है। इंग्लैंड में भी मार्च महीने में महंगाई के आंकड़े नए ऊंचाई छूते हुए नजर आए हैं, और देखा जाए तो ग्रोथ के ऊपर भी इम्पैक्ट आया है, जिसकी वजह से फिलहाल एक बार फिर से सोने और चांदी के अंदर निवेशकों का रुझान बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। गोल्ड में तेजी का रुझान बना है और डॉलर के अंदर आ रही वीकनेस भी इसको सपोर्ट देती हुई नजर आ रही है। तो फिलहाल इससे ओवरऑल देखा जाए तो जो जियो पॉलिटिकल तनाव चल रहा है उसकी वजह से एक्सपेक्टेड है कि सोना $2020 तक ऊपर एक बार जाता हुआ दिखाई दे सकता है। तो शॉर्ट टर्म में बाइंग की तरफ रहा जा सकता है, और जिन्होंने पहले से बाइंग किया हुआ है वो उसको भी होल्ड करके चल सकते हैं। जी ये सर, पर क्रूड की बात करें तो क्रूड में भी देख रहे हैं कि बढ़त देखने को मिल रही है। WTI $160 पर है, 1% की तेजी है। वहीं ब्रेंट क्रूड $112 पर निकला है 1% की बढ़त के साथ। रूपा जी, देख रहे हैं कि जो WTI $95 पर था और ब्रेंट $100 के आसपास था, उसमें अब $12 की बढ़त देखने को मिली है और WTI भी $100 के ऊपर फिर से निकला है। आपको क्या लगता है कि क्रूड में जो तेजी आई है तो क्या ये यहाँ पे सस्टेन हो पाएगी, क्या क्रूड में जो तेजी है यहाँ पे बरकरार रह पाएगी या फिर क्रूड फिर से नीचे गिरेगा? देखिए अभी क्रूड में तेजी जरूर आती हुई दिखाई दी है। दरअसल पहले चीन में डिमांड कटने की वजह से ऊपरी स्तरों से बाजार फिसले थे, और जिस तरीके से कोरोना का इंपैक्ट देखने को मिला उसकी वजह से भी बाजारों में गिरावट आती हुई दिखाई दी, और अब एक बार फिर से डिमांड जो है इन लेवल्स के ऊपर सस्टेन है। दरअसल सप्लाई वापस से डिस्टर्ब होती दिखाई दी है, क्योंकि रूस और यूक्रेन के बीच कोई समस्या का समाधान निकल नहीं रहा है, इस वजह से एक बार फिर से सप्लाई के ऊपर इंपैक्ट आता दिखाई दिया है। पहले जो एक्सपेक्टेड था कि सप्लाई बढ़ सकती है और डिमांड जो है वो कम हो जाएगी, लेकिन अब वापस से सिनेरियो चेंज होता दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से एक बार फिर से क्रूड की मांग बढ़ी है और सप्लाई की चिंताओं के चलते प्राइजेस को सपोर्ट आता हुआ दिखाई दिया है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ ये भी ध्यान रखना होगा कि देश भर में, ना केवल भारत में बल्कि विदेशों में भी कोरोना के मामले बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, तो एक ये नेगेटिव फैक्टर हो सकता है जो क्रूड को नीचे की तरफ धकेलता हुआ दिखाई दे। लेकिन अभी के लिए जो शॉर्ट टर्म स्ट्रेटेजी होनी चाहिए वो पॉजिटिव है, मार्केट बाइंग की तरफ जा सकता है, लेकिन अगर कोरोना का वेरिएंट एक बार फिर से फैलता है तो वापस से क्रूड की डिमांड में कमी आती हुई दिखाई दे सकती है, और अगर जगह जगह पर फिर से लॉकडाउन लगते हैं तो फिर क्रूड जो है एक बार फिर से नीचे गिरता हुआ दिखाई दे सकता है। अदरवाइज बाकी अदर फैक्टर्स इससे काफी सपोर्टिव है, एक यही फैक्टर्स है जो इसको नेगेटिव में ले जाता हुआ दिखाई दे सकता है। तो फिलहाल के लिए शॉर्ट टर्म में क्रूड के अंदर बाइंग में रहा जा सकता है। जी, बेस मेटल्स भी देख रहे हैं कि बेस मेटल्स में आज हर निशान पर कारोबार दर्ज किया जा रहा है, आज बेस मेटल्स का बाजार भी पॉजिटिव ही देखने को मिल रहा है। आपको क्या लगता है इंट्राडे में आज बेस मेटल्स का बाजार कैसा रह सकता है?
देखिए इंट्राडे में बेस मेटल भी काफी पॉजिटिव है अखिलेश, मैं तो शुरू से ही बेस मेटल को लेकर काफी पॉजिटिव रही हूँ और मेरे हिसाब से बेस मेटल में बाइंग में ही रहना चाहिए। आज के ऊपर आप देखिए एक बार फिर से तेजी की तरफ 1% की तेजी दिखाता हुआ नजर आ रहा है, तो मेरे हिसाब से इनमें अभी भी बाइंग की तरफ बने रहना चाहिए। जो भी गिरावट आए आप वहां पर बाइंग कीजिए। जिंक देखिए अखिलेश, जब 350 के आसपास था तब हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 380 तक ऊपर जा सकता है, आप देखिए 375 आज ट्रेंड करता हुआ दिखाई दे रहा है, तो जिंक अब हो सकता है कि आपको आने वाले दिनों में 400 तक भी ऊपर जाता हुआ दिखाई दे, तो काफी पॉजिटिव है बेस मेटल का मार्केट आगे, डिमांड जो है वो लगातार पिकअप होने के चांसेस है, तो बेस मेटल में बाइंग में रहना चाहिए, कॉपर 860 तक ऊपर जा सकता है जी। ये सर जी बात करें अगर नेचुरल गैस की, तो नेचुरल गैस भी देख रहे हैं कि आज काफ़ी शानदार तेजी के साथ ट्रेड करती नज़र आ रही है, $7.5 पर ट्रेड करती नज़र आ रही है, 3% की बढ़त है। रुपए जी देख रहे हैं कि नेचुरल गैस में नए लेवल्स देखने को मिल रहे हैं, नए रिकॉर्ड लेवल्स पर नेचुरल गैस ट्रेड कर रही है, आपको क्या लगता है जिस हिसाब से रशिया यूक्रेन का वॉर है और भारत में भी LNG PNG जितनी भी गैसेज हैं सबके दाम बढ़ाए जा रहे हैं एक के बाद एक, तो क्या अभी ऐसी और उम्मीद है कि जो गैस के प्राइसेस हैं वो और ज्यादा बढ़े? देखिए बिल्कुल अभी जिस तरीके का सिनेरियो भारत के अंदर भी बनता दिखाई दिया और विदेशों में भी जो हम देख रहे हैं वो उसका इंपैक्ट है, ये एनर्जी का संकट तो देखिए है ही, जिसकी वजह से लगातार प्राइसेस ऊपर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, और अब नेचुरल गैस टेक्निकली भी अगर हम देखें तो चार्ट पर भी काफी सपोर्टिव हो चुकी है, 585 पर यहाँ ट्रेड करके दिखाई दे रही है, 600-620 का अगला लेवल हो सकता है मार्केट में देखने को मिले, तो काफी लगातार शानदार तेजी की तरफ बाजार है, और स्पेशली नेचुरल गैस हो सकता है कि इस बार एक और रिकॉर्ड टच होता हुआ दिखाई दे और 600 के स्तरों को पार करती हुई नजर आए, तो मेरे हिसाब से अभी इनमें बाइंग की तरफ ही रहना चाहिए, लेकिन इन लेवल्स पर थोड़ा सा बाइंग रिस्की होता है, नीचे आने पर करेक्शन के अंदर आप बाइंग करके सोच सकते हैं जी। रूपा जी टॉपिक्स क्या देना चाहेंगी आप नॉन एग्री कमोडिटीज में देख रहे हैं कि जो पूरा ही नॉन एग्री का बाजार आज पॉजिटिव ही खुलता नजर आया है? देखिए बिल्कुल आज सोने चांदी में भी खरीदारी होनी चाहिए शॉर्ट टर्म में, और क्रूड में भी बाइंग करके चल सकते हैं, और एज यूजुअल फॉर लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी बेस मेटल्स में निचले स्तरों पर खरीदारी की रणनीति रखनी चाहिए। आज इंट्राडे में मुझे लगता है कि सोना जो है वो 53,600 तक ऊपर जा सकता है, नेचुरल गैस भी 585 से लेकर 600 का स्तर छू सकती है, तो ओवरऑल ट्रेंड काफी पॉजिटिव बाइंग की तरफ रहना चाहिए, सिल्वर भी आज 70,500 का टारगेट लेकर चल सकता है जी। तो ये तो बात करी थी हमने यहाँ पे नॉन एग्री कमोडिटीज की, फिलहाल सिलसिला बाजारों का मैं अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन अब कहीं जाएगा नहीं क्योंकि मुनाफे की खबर लगातार यूं ही जारी रहेगी मार्केट MCV पर।